रहते कहाँ हैं? प्लॉट नंबर 15, 7th क्रॉस रोड जुहू। अपना पूरा बयान लिखवाइए। जी हाँ, मैं अपने पूरे होश हवास में रहकर यह बयान देता हूं कि मेरे दोस्त डॉक्टर सुनील का कत्ल मेरी बीवी चंद्रिका ने किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ये बयान पूरे होश हवास में दे रहा हूं। आपकी पत्नी ने आपके दोस्त डॉक्टर सुनील का कत्ल किया है, कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? जी हाँ, गवाह है। कौन है वो गवाह? गवाह खुद मेरी पत्नी, उसने खुद मेरे सामने अपने जुर्म का इकरार किया है। कत्ल की वजह? डॉक्टर सुनील उसका राज जान चुका था। राज? कैसा राज? यही के चंद्रिका एक जिंदा लाश है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा, चंद्रिका की लाश को आपने सिटी मॉल में रखा था और पोस्टमार्टम से पहले ये लाश में जाना भी थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ही चंद्रिका की लाश को सिटी मॉल में रखवाया था और इत्तेफाक से उसके जिस्म में जान दिया गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब भी एक लाश है। वो एक लाश है, एक लाश है, एक जिंदा लाश है इंस्पेक्टर साहब। वो चंडालिका है, मैंने खुद देखा है। अक्सर उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका जिस्म मुर्दा जिस्म की तरह ठंडा पड़ जाता है। ना उसका दिल धड़कता है और ना ही उसकी नब्ज चलती है। मिस्टर अर्जुन, मुझे लगता है आपके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप जाइए और घर जाके आराम कीजिए। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप उसके बदले में रूप को देखेंगे ना, तो आपको भी यकीन हो जाएगा। देखो मिस्टर, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक वहम है बस। इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। एक बार वो मेरे घर पर भी आई थी। उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, मैंने खुद उसकी आंखों को बदलते हुए देखा है इंस्पेक्टर। मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना मैं इन्हें पागल करार देकर पागल खाने भेज दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ले इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इन्हें भारत तक छोड़ के आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर सुनील ने मेरा यकीन नहीं किया था, वो मारा गया। आप कम से कम मेरा यकीन तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब? अर्जुन चलो ना, आपको मेरा यकीन करना होगा। इडियट, दुनिया ना जाने कहां से कहां तक पहुंच गई है और ये दोनों भूत परत में उलझे हुए हैं। वाह, अब और सहा नहीं जाता कुलगुरु। उस चांडालिका ने सुनील को मार डाला और अब देखते ही देखते वो मुझे भी मार डालेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ गुरु जी, हमें उस चंडालिका से बचा लीजिए। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम लोगों को उस चांडालिका से मुक्ति मिल जाएगी। सच? सच गुरुजी? हाँ, कल अमावस है, कल की रात तमाम प्रेत आत्माएं और अपवित्र शक्तियां बस्ती से दूर किसी शमशान में इकट्ठा होती हैं। वहां अपनी अपनी शक्ति दुगनी करने के लिए शैतान की पूजा करती हैं। कल की रात चंद्रिका भी शमशान तक पहुंचने की कोशिश करेगी अपनी शक्ति को दुगना करने के लिए। अगर कल की रात चंद्रिका को घर में कैद कर लिया जाए तो बस वही उसका अंत होगा। लेकिन कुलगुरु, वो तो बहुत शक्तिशाली है, हम उसे किस तरह से रोक पाएंगे? उसका उपाय हम तुम्हें बताएंगे। ये मंत्र
पड़े बंधन हैं, इन्हें घर की हर खिड़की हर दरवाजे पे बांध दो, यही उस चांडालिका की बंदिश होंगे। जिंदगी की आखिरी रात है, आज तेरा अंत होकर आएगा। अंत मेरा नहीं तुम लोगों का होगा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम अपनी मौत खुद मरियो, खुद, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। खामोश रही चोरत, तूने मेरे पति को मुझसे जुदा किया, अपने पाँव के घेरे में सब दबोच लिया कि मुझे भूल बैठा। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी खुली हवा में जीने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी आजादी छीन ली, एक नागिन की तरह मेरी छाती पर आकर बैठ गई तुम। मगर अब हमें तुझसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी चंडालिका, क्योंकि कुल गुरु का दिया हुआ ओम हमने इस घर की हर चौखट पे लगा दिया है। अब तुम इस चार दीवारी में घोट घोट कर मर जाओगे, खत्म हो जाओगी तुम। इस ओम की आड़ लेकर तू अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल सकता, क्योंकि औरत की आंख के सामने भगवान भी अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता। आज की रात मेरी नहीं,
तुम लोगों की आखिरी रात है। अर्जुन एक निहायत ही बददिमाग किस्म के आदमी हैं, जिसकी वजह से इनकी पत्नी चंद्रिका इनसे बेजार हो चुकी है। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच में नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन इस बार की नोकझोंक ने वो शक्ल अख्तियार कर ली मिलोर्ड कि मिस्टर अर्जुन अपनी पत्नी का कत्ल करने पर आमादा हो गए, जो एक संगीन जुर्म है योर ऑनर। नहीं योर ऑनर, इस औरत को मारना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि यह इंसान नहीं एक लाश है, लाश। सुना आपने योर ऑनर, मिस्टर अर्जुन का कहना है कि उनकी पत्नी इंसान नहीं एक लाश है, लाश। मैं सच कह रहा हूं मिलॉर्ड, बिल्कुल सच कह रहा हूं। इस औरत का ना दिल धड़कता है, ना ही उसकी नब्ज चलती है। और आप ही सोचिए कि बिना दिल धड़के बिना नब्ज चले क्या कोई इंसान जी सकता है। मिलॉर्ड, इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बिना दिल धड़के बिना नब्ज चले भला कोई इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन इनकी पत्नी जिंदा है और इस वक्त अदालत के बीच बड़ी शान से बैठी है, वो देखिए। वकील साहब, जिस तरह से आप लोग मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर सुनील ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था।
तो उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने उसे चंद्रिका का चेकअप करने के लिए कहा, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुनील ने मुझे फोन पर कहा भी था कि चंद्रिका एक इंसान नहीं है, लेकिन इससे पहले के वो ये राज सारी दुनिया को बताता, इसने उसका काम तमाम कर दिया। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि चंद्रिका ने डॉक्टर सुनील को मारा है? हाँ हाँ, इसी ने डॉक्टर सुनील को मारा था। अच्छा, आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुनील इसका राज जान चुका था कि वो चलती फिरती लाश है। पॉइंट नोट किया जाए मिलो। इनका कहना है कि डॉक्टर सुनील को चंद्रिका ने मारा। अगर आपके पास शक हो तो मिस्टर अर्जुन को डॉक्टर सुनील की बॉडी पर कोई जख्म कोई निशान करी हो, लेकिन सुनील की बॉडी पर कोई निशान कोई जख्म नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उनका कत्ल हुआ है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मौत मानता हूं कि सुनील की मौत का कारण हार्ट अटैक है, लेकिन उस हार्ट अटैक की वजह यह औरत है, यह औरत जिसने उसे इतना डराया धमकाया कि दहशत के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। यानी कि डॉक्टर सुनील जो कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, एक औरत की जरा से डराने धमकाने से उनको हार्ट अटैक हो गया। ऑर्डर ऑर्डर, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं वकील साहब? ये औरत नहीं, एक लाश है, और इस बात का मेरे पास गवाह है। अच्छा, आप अदालत को बताएंगे कि आपका वो गवाह कौन है? मेरे कुलगुरु मिलॉर्ड, जो बहुत ज्ञानी है, वो साबित कर सकते हैं कि ये औरत एक लाश है। हाँ, उन्होंने कहा था कि जब अमावस शनि से टकरा जाए तो प्रलय का वातावरण बन जाता है, और इस समय अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो आत्मा उसी शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद न वो शरीर इंसान रहता है न भूत पिशाच, वो केवल एक मौत बन जाता है। मौत